जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज से हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क मगर प्यार से। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, ये एज ए प्रैक्टिस क्लास है, यानी आपको कॉन्सेप्ट पहले से ही आते हैं और आप यहाँ सीखेंगे। आपको बता दें, रेलवे की कई सारी किताबें हमने प्रॉपर वे में पढ़ा रखा है, आप उनको पढ़िए और इस किताब से प्रैक्टिस कीजिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सीधे क्वेश्चन, पी और क्यू अकेले एक कार को क्रमशः 9 दिनों और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी पी किसी कार को 9 दिन में करता है और क्यू उसी कार को 12 दिन में करता है, बोलो हां। यदि वे क्यू से शुरू करें तो वैकल्पिक दिनों में कार कितने दिनों में कंप्लीट होगा। एक तरीके से देखो, जो यहां स्टार्टिंग वाला बंदा है वो क्यू है। अभी तक क्वेश्चनों में क्या होता था कि पी हुआ करता था जो पहले बोलते, पर यहां इसने कहा क्यू से स्टार्ट किया। पहला उद्देश्य क्या होता है कि एलसीएम लोगे, 9-12 का एलसीएम 36 होगा, 36। इसे हम लोग टोटल वर्क और जनरल भाषा में लड्डू की नजर से देखिए। अगर 36 लड्डू 9 दिन में कोई खाता है तो एक दिन में क्या खाएगा, 4 लड्डू खाएगा। 36 लड्डू अगर 12 दिन में कोई खाता है तो एक दिन में 3 खाएगा। ये उसकी कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी हमेशा याद रखना, कार्य क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, टाइम की होती है। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे। तो यानी पी एक दिन में 4 लड्डू खाता है और क्यू एक दिन में 3, टोटल 36 है। अब वैकल्पिक दिनों का मतलब इंग्लिश में होता है अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट का मतलब आज मैंने लड्डू खाया तो कल मैं नहीं खाऊंगा, आप खाओगे, बस वही चीज है। तो यहां पर स्टार्टिंग किसने की है, क्यू ने स्टार्टिंग की है। क्यू पहले दिन आया 3 लड्डू, फिर पी आया 4 लड्डू। यानी देखा जाए क्यू और पी 2 दिन, क्योंकि पहले दिन क्यू ने एक और दूसरे दिन पी ने, 4-3-7 लड्डू खाए। यानी 2 डेज में 7 लड्डू खा गए, टोटल 35 है। टोटल कितने हैं, 35 है। अरे बोलो मेरे भाई, हाँ ठीक है, हर चीज को धैर्य पूर्वक सीखेंगे, टोटल 35 है। अब 35 है तो 2 दिन में 7 लड्डू खाए गए, तो 7×5=35, तो यानी 5 का यहां गुणा कर दो और 5 का यहां गुणा कर दो। ऐसा करते ही 10 दिन में 35 लड्डू हो गए और अभी टोटल क्या है, 36 है। टोटल कितना है, 36, यानी एक लड्डू खिलाना है। अब 10 दिन में अब बारी आई क्यू की, किसकी आएगी, क्यू की, पी की नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग इसने किया है ना। 10 इवेंट होता है, ऑड होता नहीं। क्यू कहता है मैं तो सर जी एक दिन में 3 लड्डू खाता है, पर बचा अंतर 1 लड्डू का। यानी कोई बंदा एक दिन में 3 खाता है, एक दिन में 3 लड्डू खाता है और खाना 1 लड्डू है, तो समय 1/3 दिन होता है। तो यानी 1/3 डेज में 1 लड्डू, तो टोटल ये हो गए 36 और 10 सही 1/3, यानी 10:1/3। अरे इन दोनों को प्रभु ऐड करोगे तो ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा आराम से चलेंगे, देखो हम स्पीड बढ़ा देंगे, आप चिंता मत कीजिएगा, पर थोड़ा सा तो शुरुआत में स्लो होना है। देखो प्रोसेस को समझो, पी किसी काम को 9 दिन में, तो पी 9 दिन, क्यू 12 दिन। तो पहला उद्देश्य हमेशा एलसीएम होता है, टोटल वर्क बोलते हैं, और 9 और 12 36 हुआ। अब इसको हम लड्डू की नजर देख रहे हैं, अगर 36 लड्डू आपके पास हैं, 9 दिन में खाना होता है, तो एक दिन में पी कितना खाएगा, 4, और एक दिन में क्यू कितना खाएगा, 3। ये इसकी कार्य क्षमता है। और शुरुआत क्या रहा है, क्यू से कर रहा है अल्टरनेट। तो क्यू ने पहले दिन 3 लड्डू खाया, फिर दूसरे दिन पी ने 4, यानी 2 दिन में 7, खाने 36 है, तो 7×35, एक लड्डू तभी बचेगा, यानी 10 दिन में 35 लड्डू, 10 दिन में 35 लड्डू। अब बचा एक लड्डू खाना, अब बारी आई क्यू की। क्यू कहता है सर जी मैं तो एक दिन में 3 लड्डू खाता हूं, कितने खाता हूं, एक दिन में 3 लड्डू खाता हूं, खाना कितना है 1/3 लड्डू, सॉरी 1 लड्डू, तो 1/3 दिन, 10:1/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। याद रहे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ये प्रैक्टिस क्लास है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके सामने, बार बार बताना पड़ता है। अब यहां पर देखो सब्जी मसाला एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा लगेगा, सब्जी में मसाला एमडीएच, एम वन डी वन एच वन अपॉन डब्ल्यू वन, एम टू डी टू और एच टू अपॉन डब्ल्यू टू, ये कॉन्सेप्ट लगने जा रहा है। ध्यान देना, पांच पुरुष छह महिलाएं एक काम को छह दिन में कर सकते हैं, तो पांच पुरुष, तो पांच पुरुष छह महिलाएं किसी काम को छह दिन में कर सकते हैं, जबकि तीन पुरुष पांच महिलाएं उसी काम को नौ दिन में, फिर कहता है हमसे तीन पुरुष दो महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक्स दिन में, यानी पांच पुरुष छह महिलाएं किसी काम को छह दिन में, तीन पुरुष पांच महिलाएं उसी काम को नौ दिन में, और तीन पुरुष दो महिलाएं उस काम को एक्स दिन में। अब यहां पर हमें एक्स निकालना है और उसी के लिए हमें क्या रखना है, पेशेंस, क्या रखना है, पेशेंस। ध्यान देना, देखिए सारा खेल है पेशेंस, जिसके पास है आंसर आएगा। यहां से पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे मैन और वुमेन, छह पंचे तीस यानी तीस पुरुष हो गए और नौ त्रिका सत्ताईस पुरुष हो गए, तीस में से सत्ताईस गया यानी तीन मैन आया, छत्तीस पुरुष हो गए और पैतालीस यहां हो गए, तो नौ वुमेन आ गए, तो मैन अपॉन वुमेन नौ बटा तीन यानी थ्री इज टू वन, यानी पुरुष तीन लड्डू खाता है और महिला एक लड्डू खाती है, पुरुष तीन लड्डू खाता है और महिला एक लड्डू खाती है। मेरे दोस्त ये वैल्यू उठाकर, ये वैल्यू उठाकर बस इस पोर्शन में रखना है और देन यू विल गेट द राइट आंसर। पुरुष तीन लड्डू, तो नौ, तीन गुणे तीन नौ और पांच एकम पांच गुणे नौ, और यहां तीन त्रिका नौ दो ऐसे और ये एक्स, यानी चौदह गुणे नौ, नौ दो ग्यारह से भाग दोगे बराबर एक्स, यानी चौदह गुणे नौ होता है कितना, 126 डिवाइड बाय 11, भाग दोगे 11 से ही 5 बटा 11 डेज, 11 से ही 5 बटा 11 डेज, तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 11:5/11, ठीक है, यानी आंसर आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर दो का जो आंसर होगा मेरे दोस्त, वो चीजें आप समझ गए हैं। तो इन चीजों को समझो कि पांच पुरुष छह महिला किसी काम को छह दिन में, तो सब्जी मसाला एमडीएच, पहले नंबर ऑफ, देखो एम मतलब क्या होता है मैन, डी मतलब डेज, एच मतलब आवर, डब्ल्यू मतलब वर्क, तो इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन चलता है। ठीक है, कई सारी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बनी हुई है, जैसे यूथ की हमारी बनी हुई है, उससे भी आप पढ़ के सीख सकते हैं और यहां प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन मतलब फुल्ली अपडेटेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ए कॉमा चार मिनट में 100 अंडे गिन लेता है, तो एक मिनट में 25 होगा ना, बोलो बोलो टेल टेल, अरे मेरे देवताओं, देखो चार मिनट में 100 अंडे, तो एक मिनट में भाई ए चार मिनट में 100 अंडे, तो ए एक मिनट में 25 अंडे, जबकि बी पांच मिनट में उतने ही अंडे गिन लेता है, यानी बी एक मिनट में 100 बटा 5 यानी 20 अंडे, तो 450 अंडे गिनने में कितना समय लगेगा, देखा जाए दो मिनट में
भाई ए एक मिनट में 25 अंडे और बी एक मिनट में 20 अंडे, तो देखा जाए एक ही मिनट में दोनों, अगर ए और बी दोनों मिल गए, यदि वे मिलकर बोला गया, क्या बोला जा रहा है, यदि वे मिलकर देखा जाए जो समय दोनों का एक एक मिनट, तो एक मिनट में ए और बी मिलकर 45 अंडे गिन लेते। कौन? ए और बी मिलकर 25 और 20 होता है 45 अंडे ए और बी गिन लेते हैं। और प्रभु गिनने हैं कितने हैं, 450, यानी इसमें 10 का गुणा कर दो और इसमें, एक्चुअल में 45 में 10 का गुणा करते हो तो 450 बनता है, तो फिर यहां 10 का गुणा करेंगे। हाँ, कल को धरने मत बैठ जाना कि सर 10 का ही क्यों, अरे एक मिनट में 45, तो 45 450 में 45 का भाग दोगे तो 10 मिनट आएगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे सब आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त, वो 10 मिनट आएगा, 10 मिनट, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। ए एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। एक जनरल कॉन्सेप्चुअल आप चीजों को पहले समझो, साइड में मैं बताने की कोशिश करता हूं, हाँ क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट कर देते हैं, बच्चा कंफ्यूजन में रहता है। पहले समझो कॉन्सेप्ट, अब बेसिक चीज समझाता हूं। तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। पहला उद्देश्य एलसीएम 20 आया, 10 से भाग दोगे तो ए की क्षमता 2 आएगी और बी की क्षमता 1, इस 3 से भाग दे रहे हो ना कहीं ए और बी पर। एक चीज देखो, 2×10 ही 20 होता है और 1×20 भी 20 होता है, ये बात याद रखना। नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशियंसी, जो भी वहां पर टोटल वर्क डिसाइड किया गया उसके बराबर होता है। दूसरी बात समझो, जो एफिशिएंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, टाइम के। अब ए किसी कार को 32 दिन में पूरा करता है, बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, बी ए से 60%। अब 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो ए की कार्य क्षमता अगर 5 है तो बी की 8 होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, 60% मतलब 3/5, यानी ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता 5, 3, 8 हो जाएगी। क्लियर है? अरे मेरे देवताओं बोलो हाँ। 5 का गुणा 32 में कर दोगे तो 160 होता है, तो 8 में 160 डिवाइड बाय 8 कर दो, 160 डिवाइड बाय 8 कर दो तो यानी 20 आ जाएगा, यानी 20 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए ना? अरे मेरे देवता समझो, 5×32 ये टोटल वर्क हो गया, और बी एक दिन में 8 लड्डू खाता है तो 8 से ऐसे भाग दोगे तो 5×20 आएगा कि नहीं आएगा, तो वो बात बराबर है, आपको चीजें सीखना चाहिए। ठीक है, 5×32 अगर 160 के, तो 8 में किसका गुणा करें कि 160 हो जाए, 20 का, इसलिए हमने बताया था कि हम स्पीड से कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझना बहुत आराम से। पी कॉमा क्यू और आर एक कार को 9, 18, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो पहले तो इनको ऐसे ही लिख लो, पी किसी कार को 9 दिन में, क्यू उसी कार को 18 दिन में और आर उसी कार को 12 दिन में। 9, 12, 18 का एलसीएम लोगे 36, 9 से भाग दोगे 9×36 होता है, 18×2 36 होता है, 12×3 36 होता है, बोलो हाँ। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। वे कार शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन कार करता है, क्यू दूसरे दिन और आर तीसरे दिन कार करता है। यहां मुद्दे हैं, इनको हम समझेंगे।
इसी मुद्दे को हम लोग समझेंगे। पहले बात को समझो, कौन सी मेन लाइन है, ये लाइन की बात हो रही है। मेन लाइन मेरे दोस्त ये है, ठीक है। यानी पहले दिन पी ने काम किया, दूसरे दिन क्यू ने काम किया, तीसरे दिन आर ने काम किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर हमें इस लाइन को समझना पड़ेगा। अब देखना दोस्तों, ध्यान देना। तो फिर इस चक्र को पूरा होने तक जारी रखा, इस कार को पूरा। देखो पहले दिन पी ने चार लड्डू खाए, दूसरे दिन क्यू ने दो और तीसरे दिन आर ने तीन, यानी थ्री डेज में नौ लड्डू खा गए। चार दो छह और तीन नौ, बोलो हाँ। और खाने हैं कितने लड्डू, 36 लड्डू। तो नौ में किसका गुणा करें 36 है, तो चार का करोगे, तीन में भी चार का गुणा करोगे, चार त्या 12, यानी 12 दिन में 36 लड्डू। राइट आंसर ऑफ दिस वन 12 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? पांचवे का 12 दिन आंसर होगा। यहां पर थोड़ा सा इसने नया बनाने की कोशिश की है, मतलब पेपर वालों ने, मतलब देखा जाए तो ग्रुप डी में तो पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है। पर डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बेसिक है, समझो। डराना है, एक जैसे तबड़ा क्वेश्चन दिया, बच्चा कहाँ पढ़ेगा? एक पुस्तक टाइप की जानी है, अकेले काम के लिए ए 15 दिन टाइप, बी 12 दिन, तो ए 15 दिन, बी 12 दिन और आगे चल के सी 20 दिन बोला है, चलो डी भी बोल दिया है 8 दिन। पहला उद्देश्य 15, 12, 8, 20 का एलसीएम, जो कि हम 120 ले ले रहे, ठीक है। 15 अट्ठे 120 होता है, 12 10 से 120 होता है, 20 सिक्सा होता है और 15 अट्ठे, ये इनकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता आ गई। अब ध्यान देना छोटी छोटी बातों को। बात क्या है कि जब ए और डी साथ में काम करते हैं तो उसे हम लोग टीम सन बोलते हैं, और जब बी और सी साथ में काम करते हैं तो उसे टीम मून बोलते हैं, और ए और सी साथ में काम करते हैं तो टीम रेड बोलते हैं, बोलो हाँ। इस टाइप से वहां पर क्या टीम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, टीम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अरे बोलो मेरे देवताओं, ठीक है। तो कहता है कौन सी टीम सबसे कम समय में पुस्तक टाइपिंग का कार्य पूर्ण करेगी, यानी कितना समय लेगी वो डजंट मैटर है, कौन सी टीम पहले। तो आप एक चीज देखो, मैं बहुत सिंपल वे में समझाना चाहता हूं। जैसे ए और डी वाली टीम ले लो, क्षमता, बस जिसकी क्षमता ज्यादा वही जल्दी काम कर लेगी। ए और डी की क्षमता देखो, ए की 8, डी की 15, 8 15 23। फिर आप बी और सी की क्षमता देखो, 10 6 16, और सी ए और सी की क्षमता देखो 14। तो जिसकी क्षमता ज्यादा है, क्षमता किसकी है भाई, एक दिन में ए और डी 23 लड्डू बनाते हैं, बी और सी 16, ए और सी 14, तो सबसे पहले काम कौन खत्म करेगा, जिनकी क्षमताएं ज्यादा होंगी, सीधी सी बात है। यानी इस क्वेश्चन में आंसर हमारा आएगा ए और डी वाला, यानी ए और डी में हमने देखा हाईलाइट कर दिया था टीम सन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अरे मेरे देवताओं, बोलो हां। टीम सन द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टीम सन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर टीम सन। किसी कार्य को करने में सी ए से दुगुना कार्य कुशल है, जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से तिगुना अधिक समय लेता है। देखो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ग्रुप डी का मेरी नजर में। रीजन क्या है, 90% बच्चा गलत किया होगा इसको। सर आप ऐसी बात कैसे कर देते हो, एक करोड़ में 90 लाख ने गलत किया होगा। हाँ मेरे भाई, अगर सही से कॉपी देखोगे जाके तो जो बोल दिया सो बोल दिया। सर ऐसा क्यों, बस यही मुद्दा है। देखो मेरे दोस्त, ऐसा क्यों का उत्तर दिया जाएगा, एक सेकेंड। ध्यान देना,
ऐसा क्यों? एक्चुअल में कहता है सी ए से दुगुना कार कुशल है, यहां वो क्षमता के बारे में बोल रहा है, और बी आगे चल के जो हो रहा है मैटर, बी उसी कार को करने में सी से तिगुना अधिक क्या लेता है, समय लेता है। बस यही बच्चा गड़बड़ कर रहा होगा कि पहले में वो क्षमता में जा रहा होगा, दूसरे में वो क्षमता में ही जा रहा होगा, समय में नहीं जा रहा होगा। पहली बात तो ये, दूसरी बात क्यों गलत किया है, और भी बातें होती है। ठीक है, देखो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा इसमें अंतर आता है कि देखो बी टेक्स थ्राइस एज मैनी एज टाइम एज सी सेम वर्क, और यहां गुना अधिक, अधिक गुना का मतलब क्या समझे, जैसे आपके पास चार लड्डू है, मैंने कहा आपसे तीन गुना अधिक लड्डू है, तो एक सेंस ये निकलता है कि आपके जो लड्डू हैं, जैसे आपके पास चार लड्डू मुझसे आपके तीन गुना अधिक, इसका मतलब मेरे पास 16 लड्डू होने चाहिए, भाई चार चार तो सेम हो गए, तो 12 लड्डू अधिक, तभी तो तीन गुना अधिक सब निकलता है। लेकिन जब आप सही से ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन को देखेंगे तो इंग्लिश में जरूर पढ़ लीजिएगा कि बी टेक्स थ्राइस एज मैनी डेज एज सी डू द सेम वर्क, यानी तीन गुना, मतलब जस्ट उसमें 1:3 का रेशियो लेना होता है। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है, मजा आएगा अभी इस क्वेश्चन में। दूसरी बात को समझो, तीसरी बात को कहां गया, हमेशा याद रखना एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होते, टाइम के होते। अब हम लोग खेलते जरा समझो, पहले कहता है सी ए से दुगुना कार कुशल है, यानी एफिशिएंसी की बात हो रही है, ए और सी, सी ए से दुगुना कार कुशल है, अगर ए एक लड्डू खाता है तो सी दो खाएगा। आगे चल के बात हो रही है टाइम की, इसकी हो रही है टाइम, बी उसी कार को सी से तीन गुना अधिक समय, तो गुना हटा तो तीन गुना समय लेता है, अधिक शब्द हटा, ठीक है, तो बी इस टू सी, बी उसी कार को करने में सी से तीन गुना समय, सी अगर एक लेता है समय तो ये तीन लेता है, तो अगर इसमें एफिशिएंसी शब्द लगाना है तो ये 1:3 हो जाएगा। अब यहां पर भी एफिशिएंसी है और यहां पर भी एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी के हिसाब से हमें सेट करना है ए बी सी, तो ए सी का 1:2 और बी सी का अगर हम देखेंगे तो 1:3, वो बढ़िया क्वेश्चन में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, अब यहां सी बराबर कर लो, ये तीन तीन का गुणा कर लो, यहां दो, यहां दो का कर लो। अगर हम एफिशिएंसी देखें तो ए की तीन आ गई, बी की दो आ गई और सी की छह आ गई, ये एफिशिएंसी हो गई। क्या हो गया? कार क्षमता। क्या हो गया? कार क्षमता। अब हमसे कहता है क्या ए अकेले उस कार को 10 दिन में पूरा कर लेता है, तो ए एक दिन में कितने लड्डू खाता है? तीन। एक दिन में 10 तीन लड्डू खाता है। अगर टोटल वर्क की बात करें तो कहता है ए अकेले उस काम को 10 दिन में कर लेता, तो एक दिन में तीन लड्डू, तो 10 दिन में 30 लड्डू, तो यहां से ए वाले शब्द से यानी यहां से लेकर यहां तक तो टोटल वर्क निकल आया। अब जोड़े में काम हो रहा है ए बी बी सी सी ए, यदि जोड़े में जैसे कि ए बी बी सी से कार्य करें तो पहले दिन ए बी ने कार्य किया, दूसरे दिन बी सी ने कार्य किया, तीसरे दिन सी ए ने, तो इस चक्र को पूरा करने में, अब देखो पहले दिन अगर ए बी कार्य करता है, पहले दिन कौन कर रहा है? ए बी, कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा। पहले दिन अगर ए बी काम कर रहा है तो वह पांच लड्डू खाएगा, तीन दो पांच। दूसरे दिन अगर बी सी कार्य कर रहा है तो 6 2 8 खाएगा। तीसरे दिन अगर सी ए काम कर रहा है तो 6 3 9 लड्डू खाएगा। चौथे दिन फिर ए बी आएगा तो 5 लड्डू खाएगा। ठीक है, पहले दिन इतना जोड़ लो तो कहीं ना कहीं 9 8 17 और 10 27 लड्डू खा गए 4 डेज में, 27 लड्डू हो गए।
खाने कितने हैं? 30। खाने कितने हैं? 30। पहले बात को समझो, तीन लड्डू का अंतर आया। अब बारी किसकी आएगी? बी और सी की। बी और सी मिलकर एक दिन में कितने खाते हैं? 8 लड्डू खाते हैं। एक दिन में 8 लड्डू बी और सी मिलकर खाते हैं, खाने हैं 3 लड्डू। अब तो 3/8 लेंगे, समझ गए होगे आप लोग। तो 4 से ही 3/8। 90% लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा, उम्मीद करो जो बता रहा हूं वही सत्य है, ठीक है। हाँ, एक्चुअल में शब्दों का शुरुआत में जो खेला हो जाता है ना मेरे भाई, बस वहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है। थोड़ा शुरुआत के सेशन हमारे स्लो होते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में स्पीड बढ़ा देंगे। हाँ, बताना पड़ता है ना क्या होता है क्या नहीं, उड़ा तो सकते नहीं कि यू ही उड़ा दे। ये सारे वैरायटी हैं, इनको समझना है, बेहतरीन क्वेश्चन था। अब जैसे ये भी बेहतरीन है, बहुत चलन में है मार्केट में, समझो। एक इसी कार का 2/3/12 दिन में, पहले इसको समझो करना क्या होता है। जैसे इसने 2/3 बोला, कितने दिन में? 12 दिन में बोला। तो अगर हम काम को पूरा कराएं, काम हमेशा एक होता है, तो इस 3 का यहां गुणा होगा और 2 से भाग, चाहो तो ऐसे करो, 2 से भाग दिया तो 6 है और 6 × 3 = 18। यानी 2/3 काम अगर 12 दिन में करते हैं, ए पूरा काम 18 दिन में करेगा। भाई 2 से इसको भाग दो, 6 × 6 = 18। फिर देखना, बी 1/4 काम 3 दिन में, तो एक काम 4 × 3 = 12, समझ गए ना। अब इसका एलसीएम ले लो, 18 × 12 का एलसीएम 36 आया। 18 से भाग दोगे तो ए की क्षमता 2 आएगी और बी की क्षमता 3 आएगी। ये हमारी क्या हो गई? एफिशिएंसी, यानी कार्य क्षमता। क्या हो गया? कार्य क्षमता। एक साथ मिलकर कार्य करते तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो देखो, ये 2 लड्डू खाता है और ये 3, तो 2 × 3 होता है 5। 36/5 भाग दोगे तो 7×35 7:1/5, यानी 7 सही 1/5। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त, 7 सही 1/5 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, मेरा ही नाम आ गया, प्रकाश और विनेश। विनेश राजस्थान में गर्ल्स के भी नाम होते हैं ऐसे, विनेश, ठीक है, रिंकेश, ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो प्रकाश और विनेश एक निश्चित कार को 12-14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार प्रारंभ किया और 3 दिन बाद विनेश ने कार छोड़ दिया, तो बचे हुए कार को प्रकाश कितने दिन में पूरा करेगा? ध्यान देना, ग्रुप डी के ही क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे दोस्त, पेशेंस से सीखो, सो मत जाना। देखो, प्रकाश किसी काम को 12 दिन में कर लेता है और विनेश उसी काम को 14 दिन में। पहले तो 12-14 का एलसीएम 84 होता है, 84 लड्डू अगर 12 दिन में तो 7 कपड़ा, 12×7 = 84 और 14 से भाग दोगे तो 6। उन्होंने एक साथ कार प्रारंभ किया और 3 दिन बाद विनेश ने कार छोड़ दिया। अब यहां समझना, एक दिन में 7-6-13 लड्डू खाते हैं, एक दिन में 7-6-13 और 3 दिन में 39 लड्डू खा जाएंगे। 13 × 39 लड्डू खा जाएंगे भाई। एक दिन में प्रकाश और विनकेश मिलकर 7-6-13 खा रहे हैं और 3 दिन में उन्होंने 39 खा लिया। अब 84 में 39 घटाओगे तो 14 में से 9 गया, 5 आया, और 7 में से 3 गया, 4 आया, यानी 45 लड्डू बचे। बचे हुए कार को प्रकाश कितने दिन में करेगा? तो प्रकाश एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं? 7 लड्डू खाते हैं। तो 45/7, तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45/7 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर आएगा
45 बटा 7 आएगा, 45 बटा 7, दिस इज द राइट आंसर। 10 व्यक्ति एक 50 फीट गहरा कुआं 8 दिन में खोद सकते हैं, 10 दिन में 100 फीट गहरा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ये एक आसान क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा समझना होता है। सब्जी मसाला MDH, M1, D1, H1 अपॉन W1, M2, D2, H2 अपॉन W2। तो 10 व्यक्ति 8 दिन में 50 फुट और 10 दिन में 100 फुट कितना व्यक्ति, तो x व्यक्ति 50 से ये दो बार में गया, 10 से 10 बार में 8 दुनी 16, यानी 16 व्यक्ति। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 16 आएगा, कितना आएगा 16। क्वेश्चन नंबर 11 बेहतरीन क्वेश्चन है, ये NTPC CVT2 लेवल 4, ये सब पेपर हम करा चुके हैं मेरे दोस्त। अब ये NTPC वाले सारे सेट YouTube पे सर्च करोगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। जब पेपर हुए थे उसके दूसरे दिन ही करा दिए थे, मतलब जब आंसर की आई थी बहुत जल्दी आ गई थी। ठीक है, हर सेट में आपको दिख जाएगा सोल्यूशन, सिर्फ ग्रुप डी के क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे सेटों के सोल्यूशन ऑलरेडी यूट्यूब में अलग से करा रखे, किताबें तो कराई ही हैं दुनिया भर की। रुचिका को एक काम को 22 दिनों में पूरा करना था, हालांकि पहले 10 दिनों के दौरान उसके प्रत्येक दिन में, देखो एक टारगेट फिक्स हो गया कि भैया 22 दिन में पूरा का पूरा काम करना है। 10 दिनों में 10 दिन काम यहां हुआ तो बचेंगे जो दिन है वो 12। पहले कॉन्सेप्ट को समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा ओरल वाला है। उसने प्रत्येक दिन केवल 1/30 काम किया। अब 1/30 काम, पहले समझो ये चीज को हम अलग से समझाएंगे। काम हमेशा होता है एज ए 100%, जिसे हम लोग एक बोलते हैं। अब प्रत्येक दिन यानी एक दिन में उसने 1/30 काम किया, तो उसने काम करना था किया कितने दिन, 10 दिन। 10 दिन में 10/30 यानी 10/3 यानी 1/3 काम हो गया, 1/3 काम 10 दिन में हो गया, एक तरीके से देखा जाए। बात समझ में आए? तो कहता है 11वें दिन से वो प्रतिदिन कार्य करे तो हिस्सा, तो ये 12 वाले में चलेगा क्योंकि 12 दिन शेष है। तो अब 1/3 काम हो गया तो काम बचा कितना, 2/3। अब 2/3 काम बचा है और कितने दिन में, 12 दिन में करना है। तो पर डे बेसिस पे कितना हो रहा है, तो कुछ नहीं करना होता है, 2/3 12 दिन में, तो एक दिन में कितना 1/12 क्योंकि पर डे बेसिस में करना है, 36/18 एक दिन में 1/18 काम। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1/18, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे। थोड़ा सा सोचने में, देखो डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सिर्फ हमने इतना लिखा है कि समझाने के लिए। जैसे इधर जो रेड में 100% एक बराबर इतना आपको बता दें तब ओरल हो जाता है, ये सब लिखा नहीं जाता, पर क्या करें आपको तो समझाना है। डंडा लेके तो बैठा नहीं हो कि कूट दो तुमको कि नहीं समझ में आ रहा है, समझो। रुचिका को एक काम को 22 दिनों में करना है, तो 22 दिन टोटल है, 10 दिन काम के तो बचा 12 दिन। अब एक दिन में 1/30 करते हो, 10 दिन में 10/30 यानी 1/3 कार हो गया, तो बचा 2/3। अब वो 2/3 12 दिन में कह रहा पर डे बेसिस, बता दो भैया कितना हिस्सा आता है, प्रतिदिन कार करे तो कितना हिस्सा कार, ताकि कार समय पूरा हो जाए। तो 2/3 काम, अब पर डे तो 1/12 से भाग 1/18। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे सही है क्योंकि वैरायटी है, मुझे तो सही लग रहा है। ये भी क्वेश्चन, ये एफिशिएंसी बेस्ड है, कहता 12 कुशल 14 अर्ध कुशल 10 अकुशल श्रमिक है, किसी कार्य को
13,189 में पूरा करते हैं। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात इतना है तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि क्या है? मेदूस समझना। देखो इसमें क्या है, 12 बंदे हैं और क्षमता 9 है, तो 12 नवैया 108 गुणा होगा। 10 बंदे हैं, 14 बंदे हैं और क्षमता क्या है 5, तो 14 पचे 70। 10 बंदे हैं और क्षमता 4 है, तो ये 40। उम्मीद है मेरी ये बात समझ गए होगे, क्योंकि यहीं पर तो आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, यहीं पर तो आपको समझना पड़ेगा। बोलो हाँ। और बस हमसे कह रहा 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा, अकुशल वाला ये बस 40 की वैल्यू चाहिए, बस और कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है। सभी को जोड़ लो, सभी को जोड़ो, कितना आएगा? जोड़ने पर कहीं ना कहीं आपका आ रहा होगा 110 और 108, 218 यूनिट। और यही 218 यूनिट की वैल्यू 13189। अब यहां भाग देना, देखो मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं, ऐसे ही उड़ा दू। हाँ बहुत से लोग होते हैं उड़ा देते हैं, 218 से भाग, कहीं ना कहीं 6 बार में तो जाना तय हो गया, 6 का गुणा कर लो, 48। जाएगा नहीं, 60.5 जीरो लोगे और ये 5 बार, तो ये चला गया इससे, यानी एक यूनिट की वैल्यू 60.5। हमें चाहिए 40 यूनिट, दोनों साइड 40 का गुणा कर दो, तो एक जीरो से तो मुद्दा ही खत्म हो गया, तो 24 और 20, 2420 आंसर आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त, वह 2420 आएगा। ठीक है, थोड़ा स्लो बता रहे हैं कि सीख जाओ। 20 आदमी 15 लड़के एक काम को 10 दिन में, 25 आदमी 10 लड़के उसे 9 दिन में, एक आदमी, यानी यहाँ एफिशिएंसी ही पूछा गया है और कुछ नहीं। एक आसान क्वेश्चन है, आप अच्छे जानते हैं कि सब्जी में मसाला MDH, कौन सा मसाला MDH अपॉन W1, M2D2H2 अपॉन W2, राइट। तो आदमी कितने हैं, 20 आदमी 15 लड़के यानी बॉय बोल दो, किसी काम को 10 दिनों में, और 25 आदमी 10 लड़के 9 दिनों में, 9 दिनों में 20 आदमी 15 लड़के एक काम को 10 दिन में, और 25 आदमी 10 लड़के इसे 9 दिनों में, एक आदमी एक लड़का द्वारा किए गए दैनिक कार्यों का अनुपात क्या होगा? मेरे दोस्त ये कहीं ना कहीं 200 हो गया और ये 225 हो गया, 225 में से 200 जाएगा तो यहां 25 मैन आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं 150 हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं 90 हो जाएगा, 150 में 90 जाएगा तो यहाँ 60 बॉय आ जाएगा। अब मैन अपॉन बॉय का रेशियो चाहिए 60 अपॉन 25, 5 से भाग दे दो 12 बार में, 5 से भाग दे दो
पांच बार में। 12:5 इज द राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर आएगा वह 12/5 आएगा, 12/5। कार से मुंबई से पुणे जाते समय मुझे पता लगा कि एक टायर में दो पंचर। अपने पुराने अनुभव के आधार पर मेरा मानना था कि पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को सपाट कर देता, दूसरा 6 मिनट में। यदि हवा एक स्थिर दर से निकलती तो टायर को सपाट करने में कितना। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ भाषा ने डराया है। हाँ, सीधी सी बात है, ठीक है। अब तो ट्यूबलेस होने लगे कि भाई कील घुस गई है, अगर उस कील को निकाल दोगे तो खेला हो जाएगा, अदरवाइज चलाते रहो। ए 9 मिनट में, मान लो ए बोल दे रहे, दूसरा दूसरे को बी बोल दे रहे 6 मिनट, पंचर ही कर रहा है ना, 18 एलसीएम हो गया। 2 क्षमता 3 क्षमता, 3 × 2 = 5 से भाग दे दो, सिर्फ डराने के लिए। 18/5, 18/5 को हम 5 से भाग देते जब, तो ये समाज 3 से ही 3/5 कहता है। 15 × 3 = 18, 18/5। एक पुस्तक में 250 प्रश्न, एक प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चा, ये बात हम आपको बता दें। जैसे इस क्वेश्चन को भी एनटीपीसी का है, बहुत से बच्चे छुए नहीं होंगे, टेंशन में आ गए होंगे। मैं 3 स्टार सिर्फ इस बात का, क्योंकि हम बहुत पेशेंस से सिखाने वाले हैं। एक पुस्तक में 250 प्रश्न है, व्यक्ति ए 1 घंटे में 6 प्रश्न। अब अगर मैं ए और बी को अलग अलग डिवाइड कर दूं, समझना, ए 250 प्रश्न प्रति घंटे 6, तो 6 से भाग दे दो, तो 6 × 24 41 सही, 4/6। 4/6 को 2/3 भी बोलते हैं, जिसे 40 मिनट बोलते हैं, यानी 41 घंटे और 40 मिनट, क्योंकि ये घंटे में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, बात समझ गया। 250/6 को अगर आप भाग दोगे तो 41 घंटे 40 मिनट आएगा। अभी यहां समझना, बी वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां क्या खेला होता है, चाहे हम चाहे आप, नहीं समझे खेला हो जाएगा। भी कहता है हमसे, बी 1 घंटे में 8 प्रश्न पढ़ता है, पुस्तक में 72 प्रश्नों के 2 अध्याय हैं, जिन्हें पढ़ना व्यक्ति बी के लिए कठिन है, इसलिए व्यक्ति बी उन प्रश्नों को पढ़ने में दुगुना समय लेता है। यानी एक चीज समझो, ये जो 250 हमने लिख दिया है, तो इस 250 में 72 पेज तो वो वाले शामिल होंगे जो डिफिकल्ट है, और यहां पर एक बार समय ले लिया और 72 और जोड़ दो, यही चीज समझना है, तो दुगुना समय हो गया एक तरीके से। नहीं समझे, अरे मेरे देवता, 250 पेज की कोई पुस्तक है, पहले बात सुन दो, उसमें 2 अध्याय हैं जो 72 पेज के, बी जो पढ़ रहा है तो उसको कठिन लग रहा है, यानी उसको 2 बार पढ़ रहा है, एक तरीके से कठिन, दुगुना समय, यानी 2 बार पढ़ रहा है। तो 250 में जैसा पढ़ रहा था वैसा, और एक बार और, तभी तो 2 बार हुआ ना, दुगना समय। बस यही बात समझनी है कि 250 + 72 समझना है, क्योंकि 72 पेज में दुगना समय, तो एक बार पहले समय लिया, एक बार फिर समय लिया, तो वो 72 पेज लिख दो, मुद्दा ही खत्म, आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे बड़े सिंपल वे में। आ गया, यहां 8 से आप भाग दे दो, तो 250 और 72 कितना होता है, ये एक बड़ा मुद्दा है, जोड़ो 322 होगा। 8 से भाग दोगे तो 40 सही, 2/8, 2/8 को हम लोग 1/4 बोलते हैं, 2/8 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/4, ये घंटा आ गया, और 40 सही 1/4 घंटे को हम लोग बोल सकते हैं, 1/4 घंटे को 15 मिनट बोला जाता है, कितना बोला था, 15 मिनट, यानी 40 घंटा 15 मिनट। अभी बात को समझना, तो उनमें से कौन दूसरे की तुलना में कितनी जल्दी पुस्तक को खत्म करेगा, सीधी सी बात है, ए ज्यादा समय ले रहा है, बी कम, तो यानी बी
जल्दी खत्म करेगा। कितना? तो दोनों का अंतर 1 घंटा 25 मिनट, यानी बी 1 घंटा 25 मिनट पहले उस पुस्तक को खत्म कर देगा इन कंपैरिजन टू ए। ठीक है, पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 10 दिन में पूरा करने का फैसला लिया। लेकिन अब देखो, कोई समूह है, सब्जी मसाला एमडीएच, माना एक्स बंदे हैं, किसी काम को 10 दिन में करने का फैसला लिया, लेकिन उनमें से 5 बंदे गैप थे, तो कहीं ना कहीं एक्स में से 5 गैप कर दो, एक्स माइनस 5 हो गया। शेष कार को, शेष समूह 12 दिन में उस कार को कंप्लीट कर लेता है, तो यहां 12 का गुणा कर लो, बस दोनों वैल्यू बराबर कर लो। कहीं ना कहीं ये 5 बार में और ये 6 बार में, तो ये हो गया कहीं ना कहीं 5x 6x 6 × 5 = 30, 30 = x के। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन, 30 = x के, यानी x = 30, दिस इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, यहां इस क्वेश्चन समझना, कंप्यूटर गेम में एक निर्माता 20 घंटे में एक दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंस नष्ट करने वाला 50 घंटे कोई दीवार को नष्ट कर देता है। पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब ए किसी दीवार को 20 घंटे में बना लेता है, जबकि बी उसी दीवार को नष्ट कर रहा है 50 घंटे में, 50 आवर्स में उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, खराब कर रहा है, तो क्या करना है? पहला उद्देश्य, इसका एलसीएम ले लो, 20 50 का एलसीएम 100, 20 से भाग दोगे तो 5 क्षमता आ जाएगी ए की, 50 से भाग दोगे 2 क्षमता आ जाएगी बी की। ठीक है, मतलब 5 लड्डू ए बनाता है तो बी 2 लड्डू तोड़ देता है, क्योंकि बी डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो निर्माता और विध्वंसक दोनों को शुरू में समतल जमीन में एक साथ कार्य करने लगाया गया, लेकिन 30 घंटे के बाद विध्वंसक को हटा दिया गया, यानी ए अगर 5 लड्डू बनाता है तो बी 2 लड्डू तोड़ देता है, 2 लड्डू तोड़ देता है भाई, यही तो हुआ। यानी 1 घंटे में 3 लड्डू बने, और बनाने कितने घंटे? 30 घंटे के लिए, 30 घंटे तक दोनों साथ में रहे, तो 30 का दोनों साइड गुणा कर लो, यानी 90 हमारा बन गया। तो बचा कितना? रिमेनिंग 10 बचा, कितना बचा? रिमेनिंग 10 बचा। बात को समझो, अब जो ये 10 है ना, दीवार बनाने में कुल कितना समय लगेगा? तो ये 10 कौन बनाएगा? अब ए बनाएगा, तो 5 से, क्योंकि बी को बंद कर दिया गया, यानी 2 घंटे ये लगा और 30 घंटे ये लगा, 30 × 2 = 32, यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 32। 17 का जो सही आंसर होगा, क्वेश्चन डराने वाला था, हाँ, सिंपल क्वेश्चन है, तो 17 का 32 घंटे इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। सभी बोलो हाँ कि सर ये बातें आपकी समझ में आ गई, मतलब आ गई है। क्वेश्चन नंबर 18 सभी लोग ट्राई करो और बताओ कि आंसर क्या होगा 18 का। जी हाँ दोस्तों, सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, 18 का आंसर क्या होगा, डरना नहीं है, लड़ना है और आंसर बताना है। 4 व्यक्ति ABCD एक कार को 2/3 घंटा, 3/4, 4/5, 1/5 घंटे पूरा करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कार को पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया? अब भैया यही चीज समझ में, 1/, जैसे कुछ बच्चों को नहीं समझ में आते कि 2/3 घंटे को मतलब क्या होता है, अरे सब में 60 का गुणा कर लो, सारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर किसी को डाउट है, मिनट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, 60
ये 2/3 घंटे को 40 मिनट कहते हैं, यहाँ 45 मिनट बोलते हैं, यहाँ बार चौक 48 मिनट बोलते हैं और यहाँ 12 मिनट बोलते हैं। तो कार को सबसे अधिक समय में किसने किया? 48 यानी सी ने। 18 का आंसर सी आएगा। तो ये तो वाया ऑप्शंस, मतलब कॉमन सेंस का है ओरल क्वेश्चन। क्या है? ओरल क्वेश्चन। जी हाँ, अगर आप दिमाग रखते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 19। ए एक मिनट में 50 शब्द टाइप कर लेता है और बी एक मिनट में 40। पहले ए ने एक मिनट के लिए टाइप किया, फिर बी ने, अल्टरनेट क्वेश्चन हो गया। टोटल 900 शब्द टाइप करने हैं, कितना समय लगेगा? आप एक बेसिक चीज को समझो, बेसिक समझो। ए ने एक मिनट में 50 और बी ने एक मिनट में 40, यानी 2 मिनट में 40, 50, 90। भाई 50 और 40 क्या 90, 980। एटलीस्ट 10 का तो गुणा कर ही सकते हैं अल्टरनेट के हिसाब से। भाई पहले मिनट में ए ने 50, दूसरे मिनट में बी ने 40, और ऐसे ही अगर 20 मिनट तक चला होगा तो 900 तो हो ही गया होगा। अब बारी आई ए की। ए पहले एक मिनट में 50 टाइप कर गया, अब बचे 30, क्योंकि यहां 980 और ये 950। अब समझना यही बात, एक मिनट में होता है 60 सेकेंड, बी की बारी है और बी 40 वर्ड टाइप करता है और बी से कराने कितने हैं? 30 वर्ड टाइप। 0 से 0 काटो, 4 में किसका गुणा करो 60 हो जाए, तो कहीं ना कहीं 15, तो 3 में भी 15। 45 सेकंड का समय लेगा कौन? बी। कितने पेज टाइप करने में? 30 पेज टाइप करने में। बस यही वाला खेला हो गया, यानी 21 मिनट 45 सेकंड इज द राइट आंसर। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, बड़े आराम से बता दिया मैंने, यही सत्य है। यहां पर बेसिक क्वेश्चन है, एक किसी कार का 1/5 12 दिन में, देख रहे हो, 1/5 12 दिन में, तो पूरा कार 60 दिन में हो गया ना, 12 × 5 = 60। बी 20% को मतलब 1/5 बोलते हैं, पूरा काम 10 का गुणा कर दो 50 दिन में। सी 1/6 8, तो पूरा काम 48 दिन में। डी 1/5 काम 12 दिन में, तो 12 × 5 = 60 दिन में। यदि चारों एक ही समय पर कार करना शुरू कर दे, सबसे पहले कार को कौन पूरा करेगा? भाई जिसका समय कम, 48 दिन सबसे कम है, यानी सी इज द राइट आंसर। भाई ए 60 ले रहा है, बी 50 ले रहा है, सी 48 और डी 60 ले रहा है, तो सबसे पहले काम कौन खत्म करेगा? मेरे दोस्त सीधी सी बात है, सी करेगा। राम सुबह 7 केले, दोपहर में 8, शाम को 3 केले खाता है, वो एक दिन में कितने दर्जन खाता है? एक दर्जन में 12 होते हैं, इसने 18 खा लिए, डेढ़ दर्जन केले खा लिए। 15 × 3 = 18 और 18/12 3/2 दर्जन केले निपटा लिए, समझ गए ना। मजदूरों के 2 टाइप है, पहले टाइप के मजदूर से तिगुना ज्यादा कार्यकुशल है। देखो अब यहां कुछ नहीं करना, पहले टाइप को आप ए वाला समझो और दूसरे टाइप को बी समझ लो, आंसर बहुत इजी वेज में आ जाएगा। ए और बी, ये फर्स्ट टाइप के मजदूर हैं और ये सेकंड टाइप के मजदूर हैं। तो पहले टाइप के मजदूरों दूसरे टाइप के मजदूर से तिगुना ज्यादा कार कुशल है, यहां 3:1, ये याद रखना। यहां कैन डू 3 टाइम्स, ये ज्यादा आधा शब्द जब आता है तो इंग्लिश में पढ़ा करो, मैं हमेशा बताता हूं जब भी कि 3 गुना अधिक समय, 4 गुना, ये सब इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो, उसमें शब्द क्लियर कर देगा। आज हिंदी में ये ट्रेडिशनल चल रहा है, Type 1 worker कैन डू 3 टाइम्स द वर्क ऑफ Type 2 worker, इसमें इंग्लिश में पढ़िए बेस्ट रहेगा। पहले टाइप के 12 मजदूर यानी ए वाले 12 हैं, यानी 12 बंदे
ए टाइप के, पहले पहले टाइप के 12 मजदूर किसी कार को 10 दिन में, तो 12 ए 10 दिन में करते हैं, और इसी कार को पूरा करने में पहले टाइप के 4 यानी 4 ए और दूसरे टाइप के 8 बी कितना समय लेंगे, तो एक्स समय लेंगे। अब ए की क्षमता 3 है तो ए की जगह 3 रख लो, और बी की जगह क्या है 1 है, तो ये 12 3 36 गुणे 10 और 12 8 20 गुणे एक्स 18 दिन आंसर आएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या आएगा मेरे दोस्त, 18 दिन आएगा। बहुत इजी वे से इसको सिखा दिया गया है, सभी बोलो हाँ। अब ये क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ट्राई करना। प्रणीत ने अपनी यात्रा दोपहर इतने बजे शुरू की, वह गंतव्य पर शाम इतने बजे पहुंचा। अनीत ने इतने 58 मिनट 40 सेकंड के बाद यात्रा शुरू की और गंतव्य पर 50 मिनट 29 सेकंड बाद पहुंच गया। देख रहो अनीत अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लेगा, एक बेसिक क्वेश्चन है। आजकल ऐसे क्वेश्चन ने कई बार देखे भी है, आपको टफ नहीं लगेगा समझना। यात्रा इतने बजे शुरू की और गंतव्य में इतने बजे पहुंचा, ठीक है। अनीत ने प्रणीत के 58 मिनट 40 सेकंड बाद यात्रा शुरू की, यानी 2:45:46 58 यहां और लिख दो और 40 सेकंड यहां समझना। ये 6 ऐसे होगा, 4 4 8 नहीं होगा क्योंकि ये 86, ये एक तरीके से 86 सेकंड मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट 26 सेकंड होता है, तो 1 यहां आ जाएगा। ये बात समझना भाई, आपसे कोई कह दे कि 70 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो तो आप क्या बोलोगे, 1 मिनट 10 सेकंड। तो 46 और 40 को 86 सेकंड बोलते हैं, और 86 सेकंड को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मिनट 26 सेकंड। अब यहां मिनट वाले खाने में आ गए तो मोटा मोटा जोड़ो, ये 95 हो गया और ये 50 और 45 95 और 9 104 मिनट। 45 58 एक को जोड़ेंगे तो 104 मिनट हो गया। अब 104 मिनट को घंटा में, तो 1 घंटा 44 मिनट बोलते हैं, क्या बोलते हैं दया, 1 घंटा 44 मिनट। आपसे कोई कह दे 104 मिनट तो घंटे में, तो 1 घंटा 44 मिनट बोलते हैं, तो 1 घंटा आ गया। तो ये 3 घंटा 44 26 आ गया के बाद यात्रा शुरू की और गंतव्य में 50 मिनट 29 सेकंड बाद पहुंच गया। 50 मिनट 29 सेकंड के बाद पहुंच गया, यानी अब यहां पर फिर से 50 और 29 जोड़ना है। अब देखो कैसे जोड़ेंगे, 50 और 29 बस हो गया। 9 6 कितना होता है, तो आप कहीं ना कहीं जानते होंगे कि 9 6 कितना होता है, एक सेकेंड। 1 सेकंड, अनीत ने प्रणीत से 58 मिनट 40 सेकंड में यात्रा शुरू की और गंतव्य पर उसके 50 मिनट 29 सेकंड के बाद पहुंच गया। उसके बोला गया मेरे दोस्त, उसके यहां गड़बड़ हो जाता, बच गया मैं, इसमें जोड़ना नहीं है, यहां अलग कांड हो गया है, कई बार करना पड़ेगा। उसके बोल दिया ना, उसका समय क्या था पहुंचने का, 4:55 वाला था ना, 4:55:57:50:29। अब थोड़ा तेजी से ये 86 मिनट हो गया। 86 को हम लोग क्या बोलेंगे, 26 मिनट बोलेंगे, और नहीं 86 सेकंड हुआ तो 1 मिनट 26 सेकंड। अब ये हमारा 106 हो गया, तो यहां 46 बोलेंगे और 1 घंटा आगे जाएगा, यानी 5 घंटा 46 मिनट 26 सेकंड। अब इन दोनों का अंतर लेना है, तो 26 26 गया, 46 में से 44 गया तो 2 मिनट आया, और 5 में से 3 गया 2 घंटा,
दो मिनट आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2 आवर्स 2 मिनट। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजिया गए होंगे, हाँ कन्प्रिया भाषा में कन्फ्यूजिया गए होंगे। हे देवताओं, 46 और 40 को 86 सेकंड बोलते हैं भाई, 46 में 40 जोड़ोगे 86 सेकंड, 46 सेकंड में मिनट क्या बोलोगे, तो 1 मिनट 26 सेकंड एक हासिल जाएगा। 45 58 को हम लोग क्या बोलेंगे, 103 और एक हासिल 104, तो 104 मिनट को घंटा में बोलेंगे तो 1 घंटा 44 मिनट। ये बात समझ में आनी चाहिए। बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मगर प्यार से। जी हाँ दोस्तों, इसमें प्यार से कर लेते हैं। ए भी मिलकर किसी कार को 10 दिन में, ए उसी कार को अकेले 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार को कितने दिन में कर सकता है। हाँ, और बाकी ऑप्शंस के हिसाब से आंसर देना है। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। देखो, ए भी किसी कार को 10 दिन में कर लेता है और ए अकेला उस कार को 15 दिन में। पहला उद्देश्य एलसीएम 30 आया, क्षमता 3 और 2, यानी ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1, तो बी उस कार को 30 दिन में कर लेगा। अब स्टेप क्या है, देखो स्टेप आपको जर्नल वाले बता रहे, जर्नल स्टेप, यानी यहाँ ये वाला लॉजिक से नहीं करना है। यहाँ कहता है कि भैया बेसिक से करो तो ठीक है, वरना समझ गए खेला हो जाएगा। तो बेसिक से क्या होता है, जब ए बी एक कार को 10 दिन में कर लेता है तो एक दिन में कैसे करता है, एक दिन में 1/10 कार होता है, पहला स्टेप, पहला स्टेप। और ए उसी कार को 15 दिन में, तो ए एक दिन में कितना कार करेगा, 1/15। हमसे बी पूछा गया है, बी पूछा गया है, तो ए प्लस बी वाले में तो 1/10 में 1/15, ये स्टेप होते हैं। फिर हम लोग एलसीएम लेते हैं, देन सॉल्व करते हैं। उम्मीद में बात समझ में आ गया होगा। तो देखो, ए प्लस बी 15, यानी पहला ऑप्शन ये वाला बी आ रहा है, बी 1 डे, ए और बी 1/10, और 1 डे वर्क ए इतना, ठीक है, ये दोनों कंबाइंड स्टेप है, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों को घटा रहे हैं, तो ए वाला, यानी बी ए से कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये आंसर होगा बी ए डी सी। अब डी वाले में देखो, तो 1 डे वर्क ऑफ डी, तो हमने अभी 30 निकाला ना ये वाला, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/30 आया ना, तो डी आया। और फिर बी एलॉन कैन डू द वर्क इन 30 डेज, तो फिर सी आएगा, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन था, यानी बिल्कुल बेसिक, जो बच्चे बिल्कुल ही बेसिक नहीं जानते उनके साथ तो खेला हो गया। तो 24 का यही आंसर होगा। दिस इज द वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। सेशन समझ में आ रहा है तो भैया लाइक और शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हूँ। और आपको बता दूं, युगत की किताब से आप सीखते हो और पिनेकल की किताब से आप प्रैक्टिस करते हो। उम्मीद मेरी बात समझ गए होंगे। यूथ टाइप वाइज है, वहां आपको सीखने को मिलेगा और यहाँ प्रैक्टिस, दोनों चीज जरूरी है, क्योंकि हमें लेना है मेन उद्देश्य सेलेक्शन। रेलवे में, पुलिस में, दुनिया भर की वैकेंसी में, सब में आपको ये सब काम आएगा, ये बात हमेशा याद रखना। उम्मीद है मेरे शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और मेरे दोस्त, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, एक दिन खुशी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।